सीए करते करते बुढ़े हो जाओगे लेकिन सीए नहीं हो पाएगी, अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट लगते रहेंगे, क्लियर नहीं कर पाओगे। बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं सीए में, पढ़ नहीं पाओगे। एक एक दिन में 18-18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ नहीं पाओगे। सिर्फ सुपर इंटेलिजेंट या सुपर हार्ड वर्किंग बच्चे ही सीए क्लियर कर सकते हैं। हमारे पड़ोस वाले शर्मा जी का बेटा पिछले 12 साल से सीए कर रहा है बट अब तक क्लियर नहीं हो पाया, बेचारे की शादी भी नहीं हो पाई। आपने ये सारी बातें सीए के बारे में तो सुनी ही होंगी। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हेलो एंड वेलकम गाइस, आई एम सीएससीएससीएम निखिल गुप्ता एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मच कोवेटेड कोर्स फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। वी विल अंडरस्टैंड द वेरियस स्टेजेस ऑफ दिस कोर्स, कोर्स कंटेंट्स, सब्जेक्ट्स व्हिच यू नीड टू स्टडी, फीस इन्वॉल्व्ड, एक्सपेक्टेड पैकेजेस आफ्टर द क्वालिफिकेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट। सो यस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज वन ऑफ द पायनियर कोर्स ऑफ द कंट्री फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, which offers good remuneration and good reputation and a goodwill, a reputation not only in India but across the globe. CA is a professional qualification and it has global recognition. CA's ki requirement har organization mein hoti hai, chahe wo choti ho ya badi, charitable organization ho ya profitable, business ho ya profession, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो या फिर किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, अ सीए इज अ मस्ट। यहां तक कि मुझे और आपको भी एज इंडिविजुअल्स सीए की जरूरत होती है अपने इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए। सर, ऐसा क्या सुरखाब के पर लगे होते हैं सीएस के अंदर जो उनकी इतनी डिमांड, इतनी जरूरत है मार्केट में? दरअसल सीए के पास कुछ ऐसे काम करने की मोनोपोलिस्टिक पावर्स हैं जो किसी और के पास नहीं है, जैसे ऑडिट। इंडिया के वेरियस लॉज जैसे कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एटसेट्रा ने सीएस को एक्सक्लूसिव पावर दी हुई है ऑडिट करने की। फर्दर सीए कोर्स में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स जैसे टैक्सेशन, कॉस्टिंग, अकाउंटिंग एटसेट्रा, ये हर इंडिविजुअल या हर कंपनी की बेसिक नीड होते हैं। अब इनकम तो अर्न सभी करते हैं तो टैक्स तो सभी को पे करना पड़ेगा एंड सीए की जरूरत सभी को पड़ेगी। देयर आर ऑलमोस्ट 3 लाख सीएज इन द कंट्री, सो 130 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ 3 लाख सीएज हैं। एंड विद इंडिया बीइंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, द नीड फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल्स कैन नॉट बी अंडरमाइंड एंड दैट प्रिसाइजली इज द रीजन फॉर फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ सीए प्रोफेशन। एंड यस, अगर आप चूज करते हैं सीए एज योर करियर ऑप्शन, यू मे रेस्ट अश्योर्ड फॉर अ फुलफिलिंग एंड रिवॉर्डिंग करियर अहेड। तो अब सवाल ये उठता है कि सीए करनी स्टार्ट कब करनी चाहिए? तो सीए स्टार्ट करने का आइडियल टाइम होता है व्हाइल यू आर इन योर 12th स्टैंडर्ड। जैसे ही आपके 12th के रोल नंबर इशू हो जाते हैं, वैसे यू आर एलिजिबल टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन सीए कोर्स ऑन प्रोविजनल बेसिस। While in your 12th class without results, only on the basis of roll number, you are eligible to get yourself registered in CPT, Common Proficiency Test. Common Proficiency Test is the foundation level course for CA qualification. जी हाँ, भले ही आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के या आर्ट्स के, आप CPT में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि सर, क्या सीए में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है, कोई बेसिक रिक्वायरमेंट? नहीं, सीए में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको सिर्फ 12th स्टैंडर्ड को क्लियर करना है, पास करना है एंड दैट्स इट। सो द आइडियल टाइम टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड फॉर द सीए कोर्स इज ड्यूरिंग योर 12th स्टैंडर्ड। सर, हमने सुना है कि ग्रेजुएशन के बाद भी सीए हो सकती है। एब्सोल्युटली, दैट इज नोन एज डायरेक्ट एंट्री। लेकिन मैं डायरेक्ट एंट्री को रेकमेंड कभी भी नहीं करूंगा बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रीपोन माय करियर एंड नॉट पोस्टपोन इट। मैं जितनी जल्दी हो सके सीएम एनरोल कराऊंगा, उसके एग्जामिनेशन क्लियर करूंगा, डट के पढ़ाई करूंगा और एक अच्छा सा फ्यूचर अपने लिए सिक्योर करूंगा। बट हां, फॉर दोज ऑफ यू हु आर इन योर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद यू कैन डायरेक्टली एंटर इन टू द सीए प्रोफेशन और उस केस में आपका फाउंडेशन एग्जेम्प्ट हो जाता है, आपको सीपीटी नहीं देना पड़ता and you are eligible to directly move on to intermediate. That is the direct entry route. So, jo students abhi 12th standard mein hain,
गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड इन सीपीटी एंड जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं दे कैन वेट फॉर अ ईयर और टू टू कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन एंड देन दे कैन मूव टू सीएम इंटरमीडिएट डायरेक्टली एंड सीपीटी क्लियर करने के बाद आईपीसीसी एंड फाइनल आईपीसीसी इज द इंटरमीडिएट लेवल एंड फाइनल जिसके बाद आप सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। तो सर कोर्स की टोटल ड्यूरेशन क्या है? भाई कोर्स की टोटल ड्यूरेशन है अप्रोक्सीमेटली 5 years एंड द टोटल एक्सपेंस विच यू हैव टू इनकर इज इवन लेस देन 1 lakh rupees विच यू गिव टू द इंस्टीट्यूशन। हाँ इसमें प्राइवेट कोचिंग अलग से, उनका एक्सपेंस अलग से। तो कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या बिना कोचिंग के भी सीए क्लियर हो सकती है? आंसर इज अ बिग यस। अगर आप सिंसियरली डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करते हैं तो बिना कोचिंग के भी सीए क्लियर करना पॉसिबल है। एंड अगर फिर भी किसी सब्जेक्ट की कोचिंग लेने की जरूरत पड़े तो कुछ फास्ट ट्रैक बैचेस अवेलेबल होते हैं जो एग्जाम से जस्ट पहले आप फॉर रिविजन सेक ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलो अब बात करते हैं सीए का मोस्ट क्रिटिकल पार्ट विच इज आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप है ट्रेनिंग जिस पीरियड के दौरान आपको किसी सीए फर्म के अंडर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ऑन द रेलेवेंट एरियाज ऑफ वर्क इन विच सीएज आर क्वालिफाइड एंड प्रिसाइजली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन द करियर ऑफ अ सीए। आप आर्टिकलशिप जितनी अच्छी सीए फर्म से करेंगे उतना ही ज्यादा आपका करियर रहेगा स्ट्रॉन्ग। सो यस देयर आर बिग सीए फर्म्स इन इंडिया विच ऑफर्स आर्टिकलशिप टू सीए एस्पिरेंट्स। दिस इंक्लूड्स द बिग फोर सीए फर्म्स Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG and Deloitte. And then comes the other top 10 or 20 CA firms. You can Google CA firms in your city and your area and you will get the list. Whether from Big 4 or non-Big 4, it will be a great learning opportunity for all of you in the accountancy world. Now comes one of the most important questions. How much does a CA earn? At the end, money is one of the most important factors while choosing a career, at least for most of us. So good news is, CA is one of the highest paying jobs and career options in India. A fresh chartered accountant receives on an average somewhere around 6 to 8 lakh of package per annum. And just after 2 to 3 years, it can reach around 10 lakhs per annum, which eventually over a period of 8 to 10 years can reach up to 60 to 70 lakh rupees per year. Wow! So if you constantly upgrade your skills, improve your personality, soft skills and your technical skills, you will stand out. And ab aate hain sabse important question. Sir, kya CA karne ke liye 14 ghanta, 16 ghanta padhna padta hai? Haan, ye sach hai. Lekin starting se hi nahi. इनिशियली आपको 8 से 10 घंटा पर डे की पढ़ाई करनी होगी वाइल यू आर इन योर फाउंडेशन एंड योर इंटरमीडिएट एंड जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन स्पेशली ड्यूरिंग फाइनल्स। यस यू हैव टू स्टडी फॉर मोर देन 12 आवर्स अ डे एंड ट्रस्ट मी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। व्हेन यू आर कंसिस्टेंटली स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन योर फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इज नॉट अ बिग डील फॉर यू। आपको आदत पड़ जाती है एंड फिर मोटिवेशन इतना ज्यादा होता है सीए फाइनल्स क्लियर करने का कि योर बॉडी माइंड एंड सोल दे आर सिंक्रोनाइज्ड टुगेदर एंड गिव यू स्ट्रेंथ टू अचीव योर गोल्स। तो डरो मत अगर कोई तुम्हें बोलता है 14 घंटे पढ़ना पड़ता है सीए करने के लिए। एट द एंड इट विल ऑल बी वर्थ। स्वामी विवेकानंद के एक कोट से मैं इस सेशन को खत्म करना चाहता हूं। उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक रुको नहीं। All the very best for your career and yes, comment box में मुझे जरूर बताना अगर CA के किसी भी aspect से related आपको चाहिए एक detailed video, I will be happy to help. And yes, अगर आपने subscribe नहीं किया channel, then please press the subscribe button and hit the bell icon.